हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो जैसे कि देख सकते हो, मेरे पास आज एक पैनासोनिक का टीवी आया हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हो इसमें करंट दिया हुआ है, लेकिन डिस्प्ले पे पिक्चर पे कोई भी नहीं दिख रहा है। मतलब इसका नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हो यहाँ पर स्टैंड बाई का जो LED है वो अभी स्टैंड बाई से रिलीज करके रखा हूँ मैं। ये देख सकते हो, ये रिमोट है। इस रिमोट के ज़रिए सबसे पहले स्टैंड बाई में मैं लेके चलता हूँ टीवी को। तो रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो मैं इस स्विच को प्रेस कर रहा हूँ। देख सकते हो रेड इंडिकेटर चल गया है यहाँ पे। और अभी मैं इसको इंडिकेटर को टीवी को स्टैंड बाई से मैं रिलीज करता हूँ। देखिए, मैंने स्विच को प्रेस किया और देख सकते हो हमारा जो टीवी है वो स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है, लेकिन डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन जब इसको चेक करके देखा तो इसके अंदर से जो साउंड है, ऑडियो है, वो बिल्कुल 100% सही से निकल रहा था। इसका मतलब यही है कि इसका डिस्प्ले सही है, इसका बैकलाइट ख़राब है। और इसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक इस प्रकार के लाइट की आपको ज़रूरत होगी। देख सकते हो मेरे पास एक हाई पावर का LED लाइट है, जिसके ज़रिए मैं इस डिस्प्ले पर लाइट को दूंगा। तो देख सकते हो आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही देख सकते हो, जैसे ही मैंने लाइट को इस पैनल के ऊपर मैं दे रहा हूँ, देख सकते हो नीला नीला कुछ आपको दिखाई दे रहा है, नीला नीला। इसका मतलब है कि इस पैनल के अंदर ग्राफिक्स तो बन रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसके अंदर हम अभी वीडियो सिग्नल देंगे तो इसके अंदर जो पिक्चर है वो चलेगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर जो बैकलाइट है वो ख़राब हो चुका है। तो इसको किस तरीके से रिपेयरिंग किया जाता है, अगर आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो कि हमने टीवी को सही सलामत खोल चुका हूँ। तो ये हमारा बैकलाइट का जैक है, जिसको मैंने खोल चुका हूँ। तो अब बारी आते हैं कि हमारे इस मदरबोर्ड से बैकलाइट के लिए जो भी वोल्टेज होता है वो निकल रहा है कि नहीं, और वो बन रहा है कि नहीं, ये सबसे पहले चेक करना होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ आ रहा है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत ही शोर शराबा होता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं पावर सप्लाई दे देता हूँ। और देख सकते हो इसके अंदर अभी पावर सप्लाई है, यहाँ पे इंडिकेटर जल रहा है, देख सकते हो रेड कलर के। और अभी जो है मैं इसको स्टैंड बाई से रिलीज करूँगा। देख सकते हो स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट का पावर सप्लाई है इसको हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज पे रख दूंगा, DC वोल्टेज पे, और उसके बाद मैं चेक करता हूँ इसका आउटपुट। तो आप मल्टीमीटर पे देखिए कि कितना वोल्टेज इसका जो आउटपुट है वो निकल रहा है। देख सकते हो अभी जो 27, 26, 24, क्योंकि गाइस अभी जो है मदरबोर्ड के आउटपुट में कोई भी लोड नहीं है, इसलिए धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। जैसे मैं इसको बंद करके फिर चालू करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका जो बैकलाइट सेक्शन को ओपन करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना जो पैनल है, पैनल का जो LVDS केबल है, इसको सबसे पहले आपको खोलना होगा, क्योंकि हमें अगर बैकलाइट ओपन करना है तो आपका जो पैनल को भी ओपन करना होगा, ठीक है गाइस। और आपको क्या करना होगा, पैनल के साथ जो भी टेप वगैरह लगा हुआ रहता है उसको भी आपको निकालना होगा। दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, टीवी के पीछे जो बैकलाइट लगा हुआ है स्ट्रिप, उसको आपको बैकलाइट टेस्टर के जरिए चेक करना होगा। जैसे कि देख सकते हो अभी मैं टेस्टिंग करने जा रहा हूँ इस बैकलाइट को, और देख सकते हो आप कि एक भी नहीं जल रहा है।
और जब मैं एक एक करके चेक करने जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि ये हमारा बैकलाइट सही है कि नहीं। जैसे देख सकते हो नहीं जल रहा है, और उसके बाद दूसरा ये भी नहीं जल रहा है। और उसके बाद मैं आपको दूसरी साइड से मतलब पोलैरिटी चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हो नहीं जल रहा है। तो इस तरीके से आपको सारे जो भी बैकलाइट है एक एक करके चेक करना होगा। जैसे कि देख सकते हो लास्ट वाला जो एलईडी है ये सही सलामत जल रहा है। इसके मतलब पहले का जो 5 एलईडी है ये सारे के सारे खराब है। उसके बाद हम इस साइड का चेक करेंगे, देख सकते हो जल रहा है ये भी। तो इसी प्रकार से सभी एलईडी को हम चेक करेंगे। आपने देख लिया कि ऊपर के जो स्ट्रिप है उनमें सारे जो एलईडी है वो जल रहा है, लेकिन नीचे का जो स्ट्रिप है उसमें उसके अंदर सिर्फ एक ही एलईडी जल रहा है जो कि लास्ट वाला है। तो हमें इसे छोड़कर बाकी जो एलईडी है वो सारे के सारे चेंज करना है। और वो किस तरीके से चेंज किया जाता है आप देखते रहिए इस वीडियो को जानने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो टीवी है ये ठीक हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो अभी जो ये पिक्चर आप देख रहे होंगे ये मैंने लैपटॉप के साथ कनेक्शन करके रखा हूँ HDMI पोर्ट के जरिए और HDMI केबल के जरिए, क्योंकि अगर आपको HDMI पोर्ट के जरिए दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो अभी जो कोई भी समस्या नहीं दिख रही है और हमारा जो बैकलाइट का जो इशू था वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हो इस वीडियो के बारे में, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको जानना है कि हमें एलईडी कहाँ से मिलेगा अभी जो मैंने रिप्लेस किया हूँ, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाकर आप जान सकते हो। उसके अलावा हमारा वेबसाइट www.deepelectronicslab पे जाके भी आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।